नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी को फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर काफी सारे तर्क वितर्क बताए गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो माफी चाहती हूँ, वीडियो बीच में पॉज हुआ क्योंकि बाहर फिर से कोई ना कोई आ जाता है, कोई वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह घूमते रहते हैं और कोई ना कोई गाड़ी, तो जिसके चलते डिस्टर्बेंस काफ़ी हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस में वीडियो देखना पड़े। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है क्योंकि जो भी जानकारी है, जो मुझे ऐसा लगता है मैं भूल सकती हूँ, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप घर में शिवलिंग बिल्कुल रख सकते हैं। जब हम तस्वीर रख सकते हैं भोले बाबा की, और तस्वीर भी शिवलिंग होती है, शिवलिंग अर्धनारेश्वर का रूप होती है, तो हम जब उन्हें रख सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रख सकते। और बात आती है कि शिवलिंग या भोले बाबा का स्थान शमशान में है, तो शमशान में है तो हम उनकी पूजा करने के लिए किस लिए जाते हैं। तो जो ये बातें बोलते हैं तो ज़रा मुझे आकर के बता दीजिएगा, एक दिन आप सबको भी शमशान ही जाना है, उन्हीं के धाम ही जाना है, तो आप उस चीज से क्यों डरते हैं और फिर क्यों भोले बाबा के पास जाते हैं आप हाथ मांग पसार के मांगने के लिए। तो मैं आप सबको बता दूं, ऐसा वहम मत पालिए, आप सभी घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप अंगूठे के बराबर का शिवलिंग रखेंगे। अलग अलग धातुओं में आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं। किस धातु का सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है वो भी मैं आपको बता भी चुकी हूँ एक पिछले वीडियो में सावन के, और आगे भी बता दूंगी। रुद्राभिषेक वाला वीडियो तो अभी तक आपने जाके नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि कौन से तरह की शिवलिंग से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोहे के शिवलिंग से। लोहे का अगर शिवलिंग है तो आप उसका अभिषेक करते हैं नित्य प्रतिदिन, या सावन के महीने में तो करते तो बहुत अच्छी बात है, शिवरात्रि पर बहुत अच्छी बात है। तो उससे आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपके लाइफ में शत्रु बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बंधा फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लोहे के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो दुश्मन किसकी ज़िंदगी में नहीं है, बट फिर भी आपको अगर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, आपका जीना हराम कर दिया है, तो आप बिल्कुल लोहे के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है पीतल का शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग अलग अलग धातु, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए बनाया गया है। तो इस पर पीतल का जो शिवलिंग है वो सुखों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। जैसे कि सुख आजकल लाइफ में किसको नहीं चाहिए, सुख में सब आ जाता है, घर की शांति आ जाती है, लग्जरीज आ जाती हैं, धन आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, स्वास्थ्य आ जाता है, क्योंकि सुख तो वही है जब हम सेटिस्फाई हैं, है ना। और संपत्ति तो आपको पता ही है, संपत्ति तो सुख संपत्ति कि आपको प्राप्ति होती है पीतल का शिवलिंग का अभिषेक करने से। अभिषेक कैसे करना है मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने वीडियो डाल दिया है, मैं इस पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कांसे का शिवलिंग, यानी कि कांसे का शिवलिंग। आपने कांसे का बेला देखा होगा, कांसे का कटोरा देखा होगा, कांसे के अदर बर्तन देखे होंगे, है ना, कांसे की घंटी, कांसे के विग्रह भी आते हैं, तो वैसे ही कांसे की जो शिवलिंग भी आती है। तो कांसे की जो शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको यश और समृद्धि मिलती है, यश यानी प्रॉस्पेरिटी मिलती है आपको इसको अभिषेक करने से। आपका मान सम्मान बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, यानी कि आप पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ती है। इसके बाद बात करते हैं तांबे के शिवलिंग का। तो अगर आप रोगों से परेशान हैं, रोगों से परेशान यानी कि अकाल मृत्यु आने का आपको भय है, या आप अपनी आयु लंबी चाहते हैं, तो आप तांबे के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और इसके बाद आती है पारद की शिवलिंग। आपने देखा होगा अधिकतर घरों में पारद का शिवलिंग पाया जाता है, तो जो पारद का शिवलिंग है वो भी सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। और ये सभी शिवलिंग आप घर में अगर रखते हैं तो एक अंगूठे तक रखेंगे, बार बार ही समझा रही हूं। इसके बाद आता है मोती का शिवलिंग। मोती का शिवलिंग यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पर्ल होता है जिसके हम अंगूठियाँ पहनते हैं, कई नेकलेस भी पहनते हैं, ज्वेलरीज अदर अदर आती है पर्ल्स में, तो ऐसे ही आप पर्ल का शिवलिंग जो कि मोती का शिवलिंग, अगर आप उसका अभिषेक करते हैं तो आपके रोगों का नाश होता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतने मेडिसिन लेते लेते भी आपकी जो
रोगों से आपको मुक्ति नहीं मिली, आप दर बदर भटक रहे हैं, तो आप महाकाल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके बाद आता है स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक का भी आपने बहुत सुना होगा, स्फटिक की माला भी आती है। स्फटिक का शिवलिंग जो है उसको भी ज्यादातर लोगों के घरों में पाया जाता है, पारद का और स्फटिक का, और बाहर बहुत शोर है उस पर ना जाना आप लोग, क्योंकि अंदर में इतना प्रॉपर रोशनी नहीं होती, और यहाँ पर बनाती हूँ मैं वीडियो तो बाहर का बहुत शोर आता है। तो स्फटिक का शिवलिंग से माना जाता है कि मनुष्य की जो सभी मनोकामना पूर्ति होती है। मनोकामना यानी कि किसी भी तरह की आपकी इच्छा। अब आप मनोकामना में ये मत बोल दीजिएगा कि हमें किसी को मार डालना है, नहीं, महादेव मनोकामना भी कोई भी भगवान जी हैं वो आपकी वही मनोकामना पूरी करते हैं जो जायज़ है। अगर आप ये कहें कि एक दिन में आपका महल खड़ा कर दें तो नहीं होगा, जब उस चीज़ का समय है जब ही होगा, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी वो काम को होने में 10 साल हैं तो 4 से 5 साल में या उससे भी कम समय में अगर कृपा बरस जाती है तो हो जाता है। इसके बाद बात आती है हीरे के शिवलिंग से। तो देखो हीरे का शिवलिंग, अब जो ऐसे शिवलिंग आ रहे हैं, मतलब जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो ऐसी सी बात है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही शिवलिंग लेके आ सकते हैं। इसका भी मैं उपाय आपको सबसे लास्ट में बताऊँगी। तो अगर आप हीरे के शिवलिंग का जो है अभिषेक करते हैं तो आपको लंबी आयु प्रदान होती है। वही चीज आपको क्या नाम है तांबे के शिवलिंग से भी मिलती है। तो अगर आप हीरा नहीं कर सकते तो आप तांबा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पुखराज। पुखराज को कौन नहीं जानता, ठीक है। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुखराज का यूज होता है, जो कि बृहस्पति देव का प्रतीक है। बृहस्पति देव के साथ में जहाँ भोले बाबा की शक्ति मिल जाती है तो सोचो धमाका हो जाएगा। तो अगर आप पुखराज के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट है नीलम का शिवलिंग। नीलम आप सभी को पता है, नीलम भी एक रत्न है, और नीलम जो पहनते हैं वो रंग से राजा और राजा से रंग बनाने का जो पावर नीलम में है। तो अगर आप नीलम के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ चांदी का शिवलिंग। चांदी के शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं, चांदी का शिवलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता, तो आप छोटा बड़ा, बहुत छोटा यानी कि अंगूठी से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठी से छोटा हो जाए चल जाएगा। तो अगर आप चांदी के जो शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद आता है सोने का शिवलिंग। तो सोने का शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं यानी कि गोल्ड का, तो आपको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ण और स्वर्ग आप सभी को पता है दोनों कितना सेम सा साउंड करते हैं ना। तो ये रही आपके सभी शिवलिंग जिसका आप अभिषेक करके ये फल प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपके घर में इनमें से कोई शिवलिंग नहीं है और आप इस सभी शिवलिंग के जो पावर से पावर वाला सिर्फ एक शिवलिंग भी अगर आप घर में ले आते हैं तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए। तो वो है नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है कि साक्षात शिव ही हैं। नर्मदा नदी को ये वरदान है कि उनके अंदर के जितने भी पत्थर होंगे, जितने भी स्टोन्स होंगे, वह सभी शिवलिंग हैं, सभी शिव हैं। आपको लगता होगा कि वहाँ से जो इस तरीके से शिवलिंग आता है तो उसको ऐसे बनाते हैं, नहीं, उसमें जो आकृतियाँ भी ना नेचुरल पाई जाती हैं, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर। तो उस पर जो भी आकृतियाँ होती हैं वो नेचुरल होती हैं, सिर्फ पत्थर को कट करके उसको गोलाई दी जाती है शिवलिंग की तरह की, और उसके किनारे के पत्थर से इसका बेस बनाया जाता है, यानी कि नदी के किनारे के पत्थर से। और आप चाहें तो सिर्फ शिवलिंग नर्मदेश्वर ला करके उसका स्टैंड आप पीतल वगैरह में या अदर मार्बल्स वगैरह में मंगवा सकते हैं, जैसे कि मेरा ब्लैक मार्बल का है, ब्लैक पत्थर का है। तो ये हो गई शिवलिंग की जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक चिपका देना, और बहुत जानकारीजनक लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं शिवानी इजाजत लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री शंभु, हर हर महादेव। With the bells.